जहाँ तक हम लोग कर चुके हैं अभी तक हमारी वो कैब वन वीडियो हो चुकी है सिनोनिम्स की। उसके बाद हमारी सिनोनिम्स की आपकी सिनोनिम्स की सेकंड वीडियो हो चुकी है। ये थर्ड वीडियो है और अभी तक हमने 110 कर लिए। थर्ड वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 90 और कर ले, मतलब 200 प्रीवियस ईयर। चाहे आप पिनाकल देख लो, चाहे आप अपना किरण पब्लिकेशन देख लो, 2023 से जितने भी आपके नीचे नीचे जा रहे हैं अभी हम, ठीक है। और 2024 वाले भी अभी ऐड कर दूंगा मैं, इसमें टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और अच्छे से कंटिन्यू करते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है ही वॉज द डिस्क्रीट बॉय इन आर ग्रुप बट मोर हार्ड वर्किंग। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, देखो डिस्क्रीट का मतलब होता है जो क्या करे। आप ऐसे ध्यान रखो, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल फॉर ऑफ प्राइवेसी एंड सीक्रेसी, ठीक है। वैसे डिस्क्रीट का ध्यान रखना, डिस्क्रीट को हम बुद्धिमान, जुडिशियस या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि जो अपने काम को बड़ा ही केयरफुली करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहले तो आप ये समझो, क्या ये जो मैंने आपको वर्ड बताया इसका मतलब क्या, ये होगा लाउड होगा, आउटस्पोकन होगा नहीं होगा, नॉइजी होगा, शोरगुल नहीं होगा, रिजर्व्ड होगा, रिजर्व, ठीक है। रिजर्व्ड मतलब जो अपने मतलब प्राइवेसी बनाए रखता है, जो चुप चुप रहता है, चीज़ें रिवील नहीं करता, ठीक है, उसे हम रिजर्व्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो यही ऑप्शन, देखो ऑप्शन कटिंग भी बहुत ज़रूरी है, ये लाउड आउटस्पोकन नॉइजी तो हो ही नहीं सकता था। दूसरा आप एक चीज़ और ध्यान रखना, एक डिस्क्रीट ये भी होता है, DISCRETE। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिवाइडेड, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो सेपरेट पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स, उनके लिए भी आप डिस्क्रीट का यूज़ करते हो, बट ये दूसरा होता है और ये वाला दूसरा होता है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट है हमारा क्या, द फैक्ट्री हैज़ बिन एक्सहेलिंग, द फैक्ट्री हैज़ बिन एक्सहेलिंग ब्लैक स्मोक फ्रॉम इट्स चिमनी। चिमनी से, फैक्ट्री की चिमनी से क्या निकलता है, एक्सहेल मतलब बाहर निकलता है, मतलब एमिट, एमिटिंग, एमिटिंग बाहर निकलना, एमिटिंग मतलब होता है डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज होना, स्पेशली क्या जैसे गैस वगैरह, ठीक है, कोई भी चीज़, लिक्विड वगैरह डिस्चार्ज होना, रेडिएशन डिस्चार्ज होना, तो एमिटिंग आपका करेक्ट है। प्रिजर्विंग होता है क्या करना, मेंटेन करके रखना, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना, मेंटेन करके रखना टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। रेमिटिंग, रेमिटिंग मैं आपको बता चुका हूँ, रेमिटिंग का मतलब होता है सेंडिंग, रेमिटिंग मतलब होता है सेंडिंग मनी टू समवन, किसी को पैसा भेजना, उसे हम रेमिटिंग कहते हैं। और इंडिक्टिंग मतलब होता है किसी पे दोष लगाना, एक्यूज करना, किसी को एक्यूज करना, आंसर है एमिटिंग, ठीक है। इंडिक्टिंग है इंडिक्ट करना, एक्यूज करना, एक्यूसेशन, ठीक है, एक्यूज करना, दोष लगाना। नेक्स्ट है डिमिनिटिव, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अगर आप देखोगे तो यहीं कहीं पे हमने डिमिनिटिव भी करा है, पीछे कहाँ करा है डिमिनिटिव, ये रहा मिनिएचर और डिमिनिटिव मैंने अलग से बता दिया था। तो आपको तो ये मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको बढ़िया मजे आने वाला है। देखो डिमिनिटिव का आंसर क्या जाएगा, मिनिएचर जाएगा। मिनिएचर मतलब क्या है, कोई भी चीज़ जो बड़ी ही छोटी हो, टाइनी हो, स्मॉल हो। इनॉर्मस मतलब होता है एकदम लार्ज, इनॉर्मस मतलब ह्यूज, ठीक है। प्रोपोगंडा का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाए, जिसका हिडन कोई एजेंडा हो, ये प्रोपागंडा मतलब एक ऐसा टॉपिक, इन्फॉर्मेशन दैट ट्राइज टू परसुएड और इन्फ्लुएंस पीपल, लोग क्या हो इन्फ्लुएंस हो जाए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश मतलब किसी भी चीज़ में क्या, डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस करेक्ट आंसर है मिनिएचर। आगे बढ़ते हैं, द टीचर वॉज एक्यूज ऑफ ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ट, ब्रेजन का मतलब होता है शेमलेस, ठीक है, जिसे जिसे भैया मतलब शर्म है ही नहीं, ठीक है ना, जिस जो एम्बेरस नहीं होता, जिसे कोई शर्म नहीं है। तो क्या ये शाय होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मॉडेस्ट तो हम्बल और काइंड होता नहीं। अशेम्ड मतलब जिसे शर्म हो, ठीक है, फीलिंग एम्बेरस्ड, जिस जो एम्बेरस्ड फील करता हो, एम्बेरस्ड फील करता हो, ये एम्बेरस्ड फील नहीं करता, ये शेमलेस है, ठीक है, शेमलेस, अनअशेम्ड कहते हैं। अनअशेम्ड का मतलब क्या है, फीलिंग नो गिल्टी एम्बेरसमेंट और रिग्रेट फॉर एक्शंस, अनअशेम्ड आंसर होगा। ब्रेजन भी ध्यान रखना। डिफंक्ट, डिफंक्ट मतलब क्या होता है, द रूम्स ऑफ दिस बिल्डिंग डू टेल अस द स्टोरी ऑफ अ डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, कोई भी चीज़ जो यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज। अब ये आपको पता ही है, हम ऑब्सोलीट को बोलते हैं, नो लॉन्गर इन, ये कॉन्टेम्प्रेरी में बता चुका हूँ, ऑफ सेम टाइम, ठीक है, ऑफ करंट टाइम, एक ही टाइम पे कोई चीज़ हो रही होती है उसे बोलते हैं हम कंटेम्प्रेरी। प्रोमिनेंट होता है नोटेबल,
नोटेबल मतलब मशहूर, जिसे लोग जानते हो, वेल नोन, वेल नोन, ठीक है। एंशियंट इज पुराना, ऑब्सोल्यूट आंसर है। नेक्स्ट बेटो कॉन्स्पिक्यूएंस। कॉन्स्पिक्यूएंस क्या होता है? कॉन्स्पिक्यूएंस होता है एकदम क्लियर, इजिली इजिली सीन, इजिली अंडरस्टैंडेबल, क्लियर क्लियर, ओपेक जो क्लियर ना हो, अननोटिशेबल जो नोटिस में ना आए, इफेक्टिव जो इफेक्टिव हो, ऑब्वियस है जो क्लियर होती हैं चीज़ें, ऑब्वियस है, क्लियर है, क्लियर, ऑब्वियस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वी कैन नॉट अचीव सक्सेस अंटिल दीज एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब क्या है? एंटीक्वेटेड का मतलब है पुराना, एंटीक्वेटेड का मतलब है एंशियंट, एंटीक्वेटेड का मतलब है जो चीज़ पुरानी हो, ओल्ड हो, ओल्ड, ओल्ड का क्या है? करंट, न्यू, अपडेटेड, आउटडेटेड, आउटडेटेड। आगे बढ़ेंगे। द डॉक्टर से डेट मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु अटेंडेड द फेस्ट आर इल ड्यू टू ईटिंग ऑफ एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है कि भैया कुछ मिला रखा है, ठीक है, इम्प्योर है, इम्प्योर है, प्योरिटी खराब कर दिया, दूध में कुछ पानी मिला दिया, एडल्ट्रेट कर दिया, मतलब क्या कर दिया? कंटेमिनेटेड हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर दिया है, पॉइजनस चीज़ें, एडिंग पॉइजनस चीज़ें, जैसे दूध में पानी मिलाएंगे तो बीमार ही होंगे लोग, ठीक है। अब इधर देखो, डैम्प का मतलब होता है भीगा हुआ, वेट, ठीक है, गीला, वेट। स्पाइसी, आपको पता है खाना स्पाइसी होता है। लेशिवियस का मतलब होता है रिलेटेड टू, आप ऐसे ध्यान रखेंगे, रिलेटेड टू सेक्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा लस्टफुल हो जाता है, ठीक है, लस्टफुल, लस्टफुल, ये भी पुराना वर्ड है, क्लिन टू पैरामाउंट बुक का है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 का। कॉन्टेमिनेटेड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वॉन। वॉन का मतलब सबको पता है क्या होता है? वॉन का मतलब है डैमेज्ड, कोई चीज़ वॉन हो रखा है, फटा हुआ है, डैमेज्ड है, ठीक है। डिलेमा एक कन्फ्यूज स्टेट होती है, उसे डिलेमा कहते हैं, कन्फ्यूज स्टेट, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा इसे हाँ करूँ कि ना करूँ। एनर्जेटिक सबको करा रखा है। डिलेपिडेटेड का मतलब क्या? डिलेपिडेटेड का मतलब है डिस्ट्रॉयड। ये हमने पहले वाले ही आपके जो सिनोनिम 1 है उसमें कई बार कर रखा है, डिस्ट्रॉयड, रियूंड, ठीक है, डैमेज्ड, ये है। डिमिनुटिव तो अभी हम कर रहे हैं, आपको पता ही है, मिनिएचर, स्मॉल, टाइनी, तो डिलैपिडेटेड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैजिकल। मैजिकल क्या होता है भाई? मैजिकल होता है जो भी, जो चीज़ क्या हो, एकदम आप देख के बोलो अरे वाह मज़ा आ गया, एकदम अट्रैक्टिव हो, ठीक है, मैजिकल हो, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, नेचुरल है, नहीं। विवेशियस मतलब क्या है? विवेशियस मतलब होता है एकदम लाइवली, एकदम एंथोजियास्टिक, एकदम एनिमेटेड, एनिमेटेड, ANIMATED, एंथोजियास्टिक, भरा हुआ, ठीक है, जील से भरा हुआ, जीलस, जीलस, ध्यान रखना बता रहा हूँ, जीलस का मतलब होता है एंथोजियास्टिक, ठीक है, जील से भरा हुआ, इंटरेस्ट से भरा हुआ, जो अट्रैक्टिव, मैजिकल मतलब है ना मजा ही आ गया। द स्टोरीज ऑफ द रिमिनेंट्स आर इंचेंटिंग, इंटरेस्टिंग, विवेशियस एंड नेचुरल। क्या होगा यहाँ पर भाई? जो चीज़ आपकी आंखों में एकदम से आ गई, जो इंचेंटिंग का मतलब होता है क्या? डिलाइटफुली, डिलाइटफुली चार्मिंग और अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव, ठीक है, और अट्रैक्टिव, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक, इंचेंटिंग आपका करेक्ट आंसर है, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है डेट्रॉयडेटेड। कितनी बार कर चुके हैं हम, इसका आंसर है डिलेपिडेड, इसका मतलब ये होता है डिस्ट्रॉयड, तो डिलेपिडेड ही आपका आंसर हो जाएगा। डिसिपेटेड क्या होता है? डिसिपेटेड मतलब होता है कोई भी चीज़ जो धीरे धीरे खत्म हो रही हो, डिसअपियर हो रही हो, डिसअपियर। मेल्योरेटेड का मतलब होता है जो चीज़ धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हो, इम्प्रूव, ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही हो। रेप्रोबेटेड, रेप्रोबेटेड का मतलब होता है किसी को कंडेमन करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है डिलेपिडेटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट। कोई भी चीज़ इसकी रिक्वायरमेंट हो, मतलब वो एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है। वेग मतलब क्या होता है? वेग मतलब जो चीज़ क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, हेजी हो, ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं। द स्टेट ऑफ बींग वैल्यूएबल, कोई भी चीज़ जो वैल्यूएबल है वो भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, एसेंशियल है। जब मुझे समझ लो अपने इंस्टीट्यूट के लिए कोई बंदा चाहिए, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है, तभी तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। कैलस, कैलस क्या होता है? कैलस मतलब वो होता है जो बड़ा ही क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है, ठीक है, जिसकी कोई फीलिंग नहीं होती, शोइंग नो फीलिंग्स, शोइंग नो फीलिंग्स फॉर अदर्स, फॉर अदर्स। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या है? इनऑर्डिनेट का मतलब है बहुत ज्यादा होना, मोर देन एक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा होना, मोर देन एक्सपेक्टेड। कंपैशनेट का मतलब क्या है? वो ये, और ये भी हम कर चुके हैं, मतलब सिंपैथी होना,
किसी के प्रति, ठीक है। इनसेंसिटिव इज योर करेक्ट आंसर। अनशैकल भी हमने करा, अनशैकल देखो, शैकल मतलब बेड़ियां, शैकल्स मतलब जंजीरें, जिसे आप फेटर्स भी बोलते हो, फेटर्स, FETER, SHACKLES, ठीक है। अनशैकल मतलब होता है किसी को आजाद करना, टू सेट फ्री। नेक्स्ट है आपका डिटेरियोरेशन। देखो कितनी बार करेंगे, सेम सेम चीजें आ रही है, डिटेरियोरेट हो गई, कोई चीज बर्बाद हो गई, कोई चीज खत्म हो गई, मतलब रेट्रोगेशन हो गया। रेट्रोगेशन का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही बेकार, ऐसे एक बिल्डिंग बनाई आपने, बिल्डिंग डिटेरियोरेट हो गई, खत्म हो गई, डैमेज हो गई, तो बिल्डिंग अपनी जो खाली प्लॉट था वैसा आ गया। मतलब द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू वर्स स्टेट में, सबसे घटिया स्टेट में आ जाए, या फिर ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, उसे रेट्रोगेशन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है कोई चीज़ शो करना, टू शो। माल फंक्शन मतलब फेलियर, जैसे माल फंक्शन हो गया, मशीन में फेलियर हो गया। रेमिफिकेशंस का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी चीज़ का नेगेटिव रिजल्ट होना, आफ्टरमैथ होना, आफ्टरमैथ, रेपरकशन होना, रेपरकशन, REPERCUSSION, रेपरकशन होना, CONSEQUENCES, कॉन्सिक्वेंसेज होना, किसी भी चीज का परिणाम मतलब, ठीक है। रेट्रोगेशन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ो, ऑब्जेक्शन मतलब होता है किसी भी चीज को मना कर देना, ऑब्जेक्ट कर देना, मतलब डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल देना अपना, ठीक है। मौन का मतलब क्या होता है, मौन एक लो साउंड, जब आपका मूड खराब हो तब जो साउंड होती है उसे मौन कहते हैं, ठीक है ना। और काउंटर सब पता ही है आपको। सेंक्शन क्या होता है, जो आपको एक सेंक्शन हो गया, लीगली लीगली परमिशन मिल गई आपको, लीगली परमिशन और अप्रूवल, तो सेंक्शन हो गया आपका, ठीक है ना। किसी को आप रिएक्ट कर रहे हो, किसी को काउंटर कर रहे हो, मतलब उसको अपोज कर रहे हो, उसके ओपिनियन को, डिसअप्रूवल इज करेक्ट वन। समटाइम्स शी पास इज सरकास्टिक। सरकास्टिक मतलब क्या होता है, सरकास्टिक मतलब होता है, मतलब आप किसी को ताना मार रहे हो, स्कॉर्नफुल, SCORNFUL, स्कॉर्नफुल मतलब होता है किसी को नेगेटिव ताना मार रहे हो, मतलब आप उसके साथ क्या हो, जब ताना मार रहे हो तो अनफ्रेंडली हो, अनफ्रेंडली। अब आप देख लो यहाँ पे क्या है, क्वाइट, क्वाइट मतलब एकदम कंप्लीट, नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री, किसी की तारीफ कर रहे हो आप, प्रेस कर रहे हो किसी को, नहीं। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मतलब आउटस्टैंडिंग, नहीं, मतलब अलग ही, बिल्कुल नहीं। क्या बना, हॉस्टाइल इज अनफ्रेंडली, ऐसे भी जाता है देखो ऑप्शन कटिंग से। फ्रिवोलस मतलब होता है वो एक्टिविटी जो क्या हो, सीरियस ना हो, जो बच्चों की एक्टिविटी होती है, नॉट सीरियस, सिली, नॉट सीरियस, सिली, तो अब क्या जाएगा, डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, डिटेस्ट करना, हेटरेट, हेटरेट, ये तो नहीं होगा। सीक्रेटिव, जो छुपा हुआ हो। मिसचीवियस भी क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है, मिसचीवियस मतलब कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो आपको क्या करे, ट्रबल कॉज करे, कॉजिंग ट्रबल, ठीक है, या फिर आपको हार्म करे या गुस्सा दिलाए, तो ये सब तो होगा नहीं। फ्रिवोलस मतलब नॉट सीरियस, सिली मतलब वर्थलेस, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वर्थलेस, ठीक है। यही आपका सबसे करेक्ट था, तो हमने ये देखा। एरुडाइट हम बोलते हैं, किसको एरुडाइट बोलते हैं, पढ़े लिखे बंदे को, जो कि क्या हो, एकदम स्कॉलर हो, स्कॉलर, नॉलेजेबल, आपका करेक्ट आंसर है। नाइफ, ये हम पहले कर चुके हैं, नाइफ का मतलब है गुलीबल, गुलीबल मतलब इनोसेंट, इनोसेंट, GULLIBLE, गुलीबल, नॉलेजेबल आपका करेक्ट है, ठीक है। बिविचिंग का मतलब क्या होता है, देखो बिविचिंग का मतलब होता है एकदम क्या, एकदम चार्मिंग, चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, चार्मिंग अट्रैक्टिव मतलब पेनफुल नहीं, एल्यूरिंग, एल्यूर करना मतलब एकदम अट्रैक्ट करना, हाईली अट्रैक्टिव, ठीक है। कैप्टिवेटिंग, ये वर्ड भी ध्यान रखना, कैप्टिवेटिंग, जो आपको लुभा जाए, ठीक है। CAPTIVATING, रिपल्सिव इज डिस्गस्टिंग, डिस्गस्ट, डिस्गस्ट, ठीक है, एल्यूरिंग सही है आपका। नेक्स्ट है इफेस, इफेस क्या होता है भाई, इफेस, इफेस मतलब कोई भी चीज इरेज कर देना, मिटा देना, टू इरेज और वाइप आउट, इरेज मतलब, इफेस मतलब कोई भी चीज इरेज कर देना, वाइप आउट कर देना, ठीक है। और रिवील मतलब होता है एक्सपोज करना, एक्सपोज, तो क्या होगा यहाँ पर, क्लैरिफाई कर दिया, नहीं, रिवील कर दिया, नहीं, मेंटेन कर दिया, डिस्ट्रॉय कर देना, कोई भी चीज बर्बाद कर देना, हटा देना।
एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए। देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। और जिन जो भी iOS यूजर हैं या फिर जो भी ऐप वाले भी, अगर उनको दिक्कत है कोई चीज पूछनी है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, सर प्रिपरेशन कैसा करें या जो भी। ये हमारी ऐप है, ऐसे ऐप खुलेगी यहाँ पर SSC के कोर्सेज हैं, DSSB के लिए। अब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में जाना है, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है टेस्ट सीरीज में जाके हमारे आपको दो टेस्ट मिलेंगे। तो आज मैं आपको एवेंजर वोकेबुलरी टेस्ट सीरीज जो मैं अभी नई बना रहा हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर, 1000 इडियम एंड फ्रेजल, 1000 सिनोनियम, 1000 एंटोनियम, फिर जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए, अभी जो रिसेंटली SSC CHSL या CPO में 2024 वाली वोकैब आई है वो, मतलब आप ये मान लो 2024 से लेके 2018 तक की जितनी वोकैबुलरी है, चाहे सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, इडियम्स हो, जो भी हो, वो सारे आपको मिलेंगे। जो हमारा प्राइस है वो 249 का है, बट अभी कुछ हमने उसके प्राइस को क्या कर दिया है, 199 का कर दिया है। ये तो टेस्ट सीरीज फॉर्म में रहेंगे, मतलब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया, चार ऑप्शन हुए और आपको टिक मार्क करके आंसर बताना होगा, सॉल्यूशन में सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगा, अनलिमिटेड आप टेस्ट लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से कोई बच्चा पूछता है कि सर वो क्या कहाँ से पढ़े, क्या बुक पढ़े, आप बस अगर ये टेस्ट लगा लोगे ना, मतलब 1000 1000 1000 1000 4000, मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें 6000+ वोकेबलरी होंगी, वो भी सारी प्रीवियस ईयर, चाहे आप DSSBA का एग्जाम हो, चाहे आपका SSC का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये सफिशियंट है। अगर आप ये लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से चीजों को देखते हैं। आपको एक बार क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इधर एवेंजर वोकैबुलरी टेस्ट सीरीज में जाके यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहे होंगे। अभी ये 8 टेस्ट है, अभी ये बहुत सारे टेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, अभी बस हमने 8 करे। अब जब जाओगे इसमें जाकर आप क्लिक करके देखना, यहाँ पर आपको कुछ फ्री टेस्ट मिलेंगे, वो फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, एक डेमो मिल जाएगा कि किस हिसाब से टेस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया होने वाला, चलिए आगे देखते हैं हम। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को ट्विस्ट करना या गलत रिप्रेजेंट करना, टू ट्विस्ट, बात घुमाना। डेटर का मतलब है किसी भी चीज को बचाना, प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट, ठीक है। एसिमिलेट का मतलब होता है सेम, एसिमिलेट का मतलब होता है क्या, समझना, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू फुली अंडरस्टैंड आइडियाज और इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है, एसिमिलेट आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी करेंगे, आई डैश इटिमाइज द वर्क। इटिमाइज का मतलब क्या, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इटिमाइज का मतलब होता है टू लिस्ट, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना अपने प्लान की या फिर कोई भी जो आइटम है उनको लिस्ट करना, टू लिस्ट आइटम्स। अब इसका क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, इम्पार्ट करना। इम्पार्ट का मतलब है कॉम्युनिकेट करना, टू कॉम्युनिकेट, अपने आइडियाज वगैरह को कॉम्युनिकेट करना। कंसील का मतलब है हाइड करना। एसेस का मतलब है किसी भी चीज को जज करना, टू असेस वैल्यूज, टू जज, JUDGE, ठीक है, जज करना। अब एनुमरेट का मतलब क्या होता है, एनुमरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक मैनर में क्या करना, लिस्ट करना, टू लिस्ट इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है, एनुमरेट करना। इटिमाइज का हो गया एनुमरेट। एसुएजमेंट, एसुएजमेंट मतलब होता है किसी को शांत करना, मतलब कंसाइटमेंट नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है एक अरेंजिंग में लगाना, किसी भी चीज को लिस्ट करना एक अरेंज में लगाना, ठीक है ना, एक स्ट्रेटा में लगाना, स्ट्रेटा में लगाना, स्ट्रेटा मतलब होता है ऐसे स्टेटिस्टिक्स में लगाना। रूथलेस इज क्रूअल, रूथलेस इज आपका क्रूअल। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप बच्चा कोई मेरी वीडियो देख रहा है, एसुएज करना, शांत करना, पैसिफाई करना, वैसे बताया था मैंने, मॉलिफाई से बना, मॉलिफिकेशन मतलब शांत करना, किसी को पैसिफाई करना, ठीक है, कितना आसान था ये। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब क्या, डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट, द क्वालिटी ऑफ बींग वर्दी और रिस्पेक्ट। अब ये रिस्पेक्ट वाला क्या दिखाएगा, एंथुजियाज्म दिखाएगा, नहीं। इमोरेलिटी, इमोरेटरी मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट, तो मॉरल के अगेंस्ट हो गया, नहीं। वेल्थ मतलब पैसा, ग्रेस, ग्रेस आपका आंसर होगा, ग्रेस करेक्ट, करेक्ट आंसर। ग्रेस का मतलब होता है पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इन मैनर, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इन मैनर, ग्रेस। नेक्स्ट कलीग, कलीग का मतलब क्या होता है, जो आपके साथ काम करता है, मतलब को वर्कर, खत्म हो गया, इसमें क्या ही था।
इसमें क्या बताया, एग्जेम्प्ट मतलब भाई आप किसी चीज से अलग हो, टू बी फ्री एग्जेम्प्ट, ऐसा होता है ना आपकी जैसे गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसमें आपकी इलेक्शन ड्यूटी आती है, तो जो लोगों की इलेक्शन ड्यूटी हट जाती है उसे बोलते हैं एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट हो गए हो आप, ठीक है, हट गए हो। डिस्टेंड मतलब क्या, डिस्टेंड मतलब होता है एक्सपेंड हो जाना, टू एक्सपेंड, या डिस्टेंड मतलब होता है फैल जाना, टू स्वेल, फूल जाना, ठीक है ना, कोवर्कर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है पेरिलस। पेरिलस मैंने कई बार बता दिया था मेरे भाई, पेरिलस देखो मैं आपको बताता हूँ, पेरिलस का मतलब है डेंजरस, आगे बढ़ते हैं क्यों, अब मैं इधर आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। देखो आई थिंक कल की क्लास में हम लोगों ने पेरिलस करा है, तो एक बार अच्छे से देखते हैं कि कहाँ हमें मिलेगा पेरिलस। ये देखो सारे कर रखे हमने, बिहेमोथ, मैमोथ, ये भी आया था, ठीक है, पेरिलस भी हमने करा है। पेरिलस चलो इसमें दिख नहीं रहा है बट हमने ऑलरेडी कर लिया है पेरिलस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिलस का क्या मतलब है, पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, जैसे पारलस, प्रिकेरियस, परनीशियस, ऐसा बोल सकते हो। बैफल्ड मतलब होता है एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट में होना, ठीक है, इसके लिए एक ईडियम आता है एट सी, ये भी ध्यान रखना, एकदम कंफ्यूज स्टेट में होना उसे आप बोलते हो बैफल्ड, ठीक है, पजल्ड हो जाना, पजल्ड, एकदम पजल्ड हो, पजल्ड, बैफल्ड हो गया, पजल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गए। अनफेज्ड इज एकदम काम रहना, काम, रिलीव्ड एंगर सबको पता ही है। नेक्स्ट है आपका मिटिगेट। मिटिगेट मैंने कई बार बताया है, किसी भी चीज को लेसन करना, कम करना, एलिविएट करना, ALLEVIATE, शो करना नहीं, डाइवर्ट कर देना नहीं, एक्सेलरेट करना, लेसन करना। एबोमिनेबल मतलब होता है बहुत ज्यादा नफरत, बड़ा घृणा वाला काम, हेटरेट, ठीक है, हेटरेट। एबोमिनेबल मतलब एकदम अनप्लेजेंट, कोई भी चीज अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, या फिर आप इसे बोल सकते हो लोथसम, LOATHSOME, लोथसम, ठीक है। अब डिलेक्टेबल का मतलब क्या है, डिलेक्टेबल का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया, डिलीशियस फूड, डिलेक्टेबल मतलब डिलीशियस फूड, ठीक है, डिलीशियस। तो अब आप बताओ उसका आंसर डिलीशियस होगा, नहीं होगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रिक्ट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल, जो चीज़ फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है, नॉट इजीली बेंट नहीं हो सकती चीज, चेंज नहीं हो सकती। ऑबनॉक्शियस का मतलब क्या है, ऑबनॉक्शियस का मतलब होता है ऑफेंसिव और अनप्लेजेंट, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और ऑफेंसिव, ठीक है, ऑबनॉक्शियस। नेक्स्ट मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट का क्या मतलब होता है, मेकशिफ्ट का मतलब होता है कि बहुत अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, स्टार मार्क कर लेना। मेकशिफ्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज, कोई भी, जो भी रिसोर्सेज आपके पास दे रखे हैं उसी से आप कोई भी चीज बना दो, उसी से काम चला लो, ठीक है। समथिंग समथिंग क्रिएटेड, समथिंग क्रिएटेड टेम्परेरली, टेम्परेरली एंड क्विकली, जो अभी आपका काम चल जाए और जल्दी में कोई चीज आप बना दो, किन चीजों को यूज करके, यूजिंग वट एवर इज प्रेजेंट, जो भी चीज आपके पास है उन सबको यूज करके आप बना लो, आपका काम चल जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं मेकशिफ्ट। क्या रिसोर्सफुल, नहीं, परपेचुअल का मतलब होता है जो हमेशा चले, एवर लास्टिंग नहीं, इनकंसिडरेट, जैसे कंसिडरेट मतलब होता है किसी चीज को कंसिडर करना, इनकंसिडर नहीं कंसिडर करना। प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है, ठीक है, अरेंज्ड फॉर द प्रेजेंट, ऐसे कहते हैं ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट चल जाएगा दे दो, अरेंज फॉर द प्रेजेंट, अभी के लिए चल जाएगा, बाद में सही से जमा करवा देना, ठीक है, बाद में, पॉसिबिलिटी टू बी चेंज्ड लेटर, प्रोविजनल आपका करेक्ट है। 140 कर लिए हमने। नेक्स्ट है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, वही आपके क्या क्या है भाई, एम्बिशन है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, डिजायर टू अचीव समथिंग, डिजायर टू अचीव समथिंग, ठीक है, क्या क्या आपके क्या है, डिजायर है, तो एम्बिशियस को और क्या बोलते हो, एस्पायर्स। एस्पायर्स का मतलब होता है गोल टू अचीव समथिंग, गोल टू अचीव समथिंग, इंप्रूव स्किल्स, ये तो पता ही है आप लोगों को। नेक्स्ट है 142 डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज होना, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज मतलब गरीबी होना, आप भाई गुजारे भर का खाना भी नहीं कर पा रहे हो, पुअर हैं, मतलब क्या है, आप क्या बोल सकते हो, पेन्यूरी में है, PUPENURY मतलब पेनीलेस है, पुअर, गरीब होना, पेनीलेस, PENNILES, पेनीलेस होना, इसे हम बोलते हैं इम्पॉवरिस्ट। इम्पॉवरिस्ट का मतलब होता है वेरी पुअर, ठीक है। इलाइट, एलिट, एलिट ग्रुप क्या होते हैं, एलिट ग्रुप वो होते हैं, एलिट वो लोग होते हैं, सुपीरियर होते हैं, जो रिच क्लास होती है, रिच क्लास।
हॉटी क्या है आपका? हॉटी इज प्राउड, हॉटी इज आपका एरोगेंट, एरोगेंट ठीक है, एरोगेंट। जैसे आप कंसीटेड वर्ड भी ध्यान रखना, कंसीटेड मतलब बहुत ज्यादा घमंड होना, एक्सेसिव प्राइड होना। पेट्रियोटिक क्या होता है? देशभक्ति, ठीक है, कंट्री के प्रति देशभक्ति होना, मतलब देशभक्ति को क्या बोलते हैं? पेट्रियटिज्म बोलते हैं। जिंगुइज्म भी ध्यान रखना, JINGUGOISM, इसका मतलब ये होता है ज्यादा देशभक्ति होना, ठीक है, JINGUISM, ठीक है, जो करता है वो जिंगोइस्ट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉवरिश इसका आंसर हो गया। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या है? इंडिस्पेंसिबल का मतलब है इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। मेमोरेबल नहीं, एटर्नल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसे बोलते हैं परपेचुअल, एवरलास्टिंग, एसेंशियल, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांजिएंट इज, ट्रांजिएंट इज टेम्परेरी। देखो भाई ये उल्टा आ गया आपका, ठीक है, टेम्परेरी हो मतलब आप बोल सकते हो ट्रांजिटरी है, आप क्या बोल सकते हो? TRANSITORY, कि कोई भी चीज क्या हो, एकदम ट्रांजिटरी हो, टेम्परेरी हो, ट्रांजिएंट हो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इसका उल्टा हो गया, किसका? एटर्नल का उल्टा हो गया, ठीक है ना। आगे क्या है यहाँ पर? हो गया आपका टेम्परेरी, ट्रांजिटरी। अब देखो ध्यान से, परपेचुअल का मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया है, परपेचुअल इज एटर्नल, परपेचुअल मतलब जो परमानेंट हो, परमानेंट हो, जो हमेशा चले, मतलब एवरलास्टिंग, लंबे समय तक चलेगा, कभी खत्म ना होने वाला, एवरलास्टिंग। और टेम्परेरी हो, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट ये ध्यान रखना, परपेचुअल तो नहीं होगा, लॉन्ग नहीं होगा, फ्लीटिंग कहते हैं टेम्परेरी चीजों को, ये आपका आंसर है। स्टेबल है जो चीज स्टेबल हो। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका प्रोलिफिक। प्रोलिफिक क्या होता है मेरे भाई? जो भी चीज बहुत जल्दी क्वांटिटी में बढ़े, एकदम क्या हो, प्रोडक्टिव हो। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, प्रोडक्टिव इसका करेक्ट आंसर है। लेजी होना ये नहीं, लेजी का एक वर्ड और होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकास्टिनेट, PROCRASTINAT, प्रोकास्टिनेट मतलब धीरे धीरे चीजों को करना, एकदम लेथार्जिक वे में करना, लेथार्जिक, LETHARGIC, एकदम स्लगिश, स्लगिश मतलब भी लेजी, ठीक है, लेथार्जिक। इंडोलेंट, INDOLENT, इन सब का मतलब क्या? लेजी, ध्यान रखना। कंसीट आ गया, लो भाई मैंने अभी अभी आपको समझाया था कंसीट किसे हम बोलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ करवाया, तो लो रिवीजन भी हो जाएगी। ये रहा कंसीटेड, मतलब एक्सेसिव प्राइड होना, घमंड होना, ठीक है। कंसीट का मतलब प्रेजुडाइज होना, प्रेजुडाइज का मतलब है भेदभाव रखना, अनफेयर नहीं। मोडेस्टी आपको पता ही है नहीं। कॉवर्डाइजिस आपका क्या? डरपोक, ठीक है। लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ करेज ये भी नहीं है। इगोटिज्म, इगोटिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव एरोगेंस, एक्सेसिव प्राइड, अपने ऊपर घमंड होना, कंसीट होना, यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्या? टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है क्या? किसी भी चीज को, जैसे कि भाई कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपके अंदर क्या एबिलिटी है उससे डील करने की, उसे सहन करने की, एबिलिटी टू डील विद, ठीक है, एबिलिटी टू डील विद, उसको क्या कर सकते हो आप? भाई परेशान कर रहा है तो आपके अंदर एबिलिटी है सहन करने की, टॉलरेंस पावर है, ऐसे देखो। डिस्ट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट मतलब क्या होगा? लैक ऑफ ट्रस्ट, कोई बात ही नहीं है ये तो, लैक ऑफ ट्रस्ट। देखो सच बता रहा हूँ मैं, मेरे विश्वास रखना, ये तुक्के से यहाँ पर आ गया। लेथर्जिक, अभी मैंने आपको ये बताया ना, लेथर्जिक, लेथर्जिक मतलब क्या है? लेजी, ऐसी बताता रहता हूँ मैं चीजें, देखो यहाँ पर आया होगा लेजी, तो ही मैंने बताया यहाँ पर लेथर्जिक है नहीं। इंट्रेंच, इंट्रेंच का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, स्टेब्लिश करना, ठीक है, खड़ा करना, टू स्टेब्लिश, टू स्टेब्लिश समथिंग, समथिंग फर्मली, खड़ा करना किसी भी चीज को फर्मली, ठीक है। और एंड्योरेंस होता है, एंड्योरेंस कितना है इसके अंदर? एंड्योरेंस मतलब पावर कितनी है, एबिलिटी कितनी है इसके अंदर, क्या आपके अंदर एंड्योरेंस है अपने हार्डशिप्स में खड़े रहने की? हार्डशिप्स मतलब क्या बताया था मैंने आपको? अपनी बुरी कंडीशंस में, जब आप प्लाइट में हो, दुख दुविधा में हो, परेशानियों में हो, ट्रिबुलेशंस में हो, तब आपके पास एंड्योरेंस होना चाहिए, मेंटल एंड्योरेंस। देखो क्या बोल रहा है, एजुकेशन गिव्स पीपल द नॉलेज एंड स्किल्स दे नीड टू स्टे हेल्दी, बेटर जॉब्स के लिए, और फॉस्टर उनकी टॉलरेंस, टॉलरेंस भी बढ़ाती है, तो एंड्योरेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या है? एकदम एक्यूरेट। प्रिसाइज का मतलब क्या है? एकदम क्या होना, एक्यूरेट होना, यही है। वेग इज नॉट क्लियर, एम्बिग्यूस इज नॉट क्लियर। बेनिवोलेंट होता है काइंड, एकदम काइंड, एल्ट्रिस्टिक, फिलेंथ्रोपिस्ट, काइंड हार्टेड पर्सन। ग्लूमी तो होता है सैड, ये तो नहीं होगा। अनफॉर्चुनेट, ग्रजिंग, ग्रज का मतलब क्या होता है?
कोई भी चीज अनविलिंग, बेमन से करना, अनविलिंग टू गिव, अनविलिंग टू गिव बेमन से करना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कंपेंशनेट। कंपेंशनेट मतलब काइंड हार्टेड हो, जिसमें सिंपथी वाली फीलिंग हो, सिंपथी वाली। ये 3 4 बार आ गया, रिपीट हो रहा है, देखो प्रीवियस ईयर में ही, ठीक है, ध्यान रखना। प्रेडिकमेंट मतलब होता है दुख दुविधा में होना, एकदम बुरी कंडीशन में होना, सक्सेस में, ऑफर में, एडवांटेज में, डेलमा में, कंफ्यूज स्टेट में होना, दुख दुविधा में होना, डेंजरस सिचुएशन में होना, डेंजरस या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। मेरे हिसाब से ये वीडियोस, ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मुझे नहीं पता ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, बट जिस बच्चे को भी इससे फायदा मिले तो जरूर मुझे बताना। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बताना। ये यहीं तक हम रखते हैं, बाकी के 50 हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।